अस्सलामुअलैकुम। देखिए स्कूल की छुट्टियां लगी है, हम लोग सब जा रहे हैं माथेरानी। ये हमारा ग्रुप है और हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है माथेरानी। एक्चुअली हम लोग वहाँ पर एक फार्म हाउस भी जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग माथेरान के लिए निकलेंगे। और ये हम लोग ट्रेन में बैठे हैं माथेरान के लिए। फास्ट ट्रेन हम लोगों ने बाइकला से लिए है और नेरल उतरेंगे। और ये देखिए नेरल उतर के हमने वहाँ से प्राइवेट गाड़ी ली। और ये नज़ारा देखिए, घाट का नज़ारा है। आप लोग सब तो बहुत बार गए होंगे माथेरान, हम लोग तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। क्योंकि जो चलने का जो प्रोसीजर है वो मुझे बहुत भारी पड़ता है, इसलिए कभी प्लान बनाया नहीं मैंने। अब हमारी सब फ्रेंड्स लोग ने मिलकर प्लान बनाया था तो हम लोग निकले हैं। और माशाल्लाह हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। फार्म हाउस का और माथेरान का दोनों का अलग अलग वीडियो है, व्लॉग है, तो वो भी मैं बनाऊँगी। पहले माथेरान का बना लिया है मैंने कि वहाँ पर हम लोग ने कैसा सर्वाइव किया और कैसे कैसे इन्जॉय किया, उसके बारे में कुछ डिटेल। ये देखिए अभी भी हम घाट पर ही हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। घाट के नीचे तक गांव जैसे बसा हुआ है ना, वो दिखता है। और ये देखिए वहाँ से हम लोग ट्रेन में आए हैं। ये ट्रेन है वहाँ की, टॉय ट्रेन जो होती है ना, हमें टॉय ट्रेन भी देखना था कि कैसा होता है। और पैदल चलकर जाना तो मेरे बस की बात नहीं थी। हॉर्सलैंड का कोई रिसोर्ट था तो वहाँ पर हमारी बुकिंग थी। ये देखिए लगभग हम लोग पहुँच गए। अब ये टॉय ट्रेन का हम लोग जो इन्जॉयमेंट है वो करने वाले हैं। ये जो है देखिए साइड से जो घोड़े जा रहे हैं, ये जो टॉय ट्रेन जाता है ये ट्रैक का रास्ता है, और वो पीछे से एक रास्ता जाता है, वो भी बड़ा खूबसूरत रास्ता है। वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरह से हम घोड़े में वहाँ से आए। और मैंने तो रिक्शा किया था, जो है जो हाथ का रिक्शा होता है मैं उसमें बैठ कर आई हूँ, मैं घोड़े पर नहीं बैठी थी। ये देखिए टॉय ट्रेन, और सब एकदम इन्जॉय कर रहे हैं। थकान भी बहुत थी, गर्मी थी तो थकान भी बहुत थी। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कब हम लोग बस पहुँचे वहाँ पर और रेस्ट करें। और ये टॉय ट्रेन तो इतनी स्लो चल रही थी, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी टॉय ट्रेन। और ये वहाँ से नज़ारा देखिए टॉय ट्रेन का। आई थिंक माथेरान जो ज़्यादा चल सकता है ना उन लोगों के लायक है खूबसूरत, बट जो ज़्यादा चल नहीं सकता है ना, जिनको चलने में इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है या पैरों का दर्द है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये देखिए ये रिजॉर्ट है और हॉर्सलैंड, और ये वहाँ का डाइनिंग एरिया है। हमें तीनों टाइम का जो ये मिला था बुफे, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी एंड नाइट डिनर, बहुत अच्छा था। वेज नॉन वेज दोनों की फैसिलिटी थी और काफ़ी अच्छा था खाना। स्वीट्स भी थी उसमें, सैलड भी थी, रोटी पूरी चपा, जो हम चाहे वो खा सकते हैं। और अनलिमिटेड है, जितना चाहे खा सकते हैं, जितना आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया तो बस इनफ हो जाता है। सूप है, राइस है, सलाद है, पापड़ है, अचार है, चटनी है, और स्टार्टर्स हैं। और चिकन में भी बटर चिकन, चिकन 65। और ये देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है ये डिस्को का एरिया भी है, गेम्स भी यहाँ पर खिलाया जाता है। ये देखिए बच्चे कुछ कुछ, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, बच्चे सब अपने अपने तरफ फैल चुके हैं। ये वहाँ के डिलक्स रूम है, और ये स्विमिंग पूल, स्टैंडर्ड रूम्स है सब वहीं पर है। ये देखिए जो लोग दो तीन दिन रहना चाहते हैं वो आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं भी स्विमिंग पूल की तरफ जा रही हूँ क्योंकि सब बच्चे वहाँ गए हैं और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी थोड़ा शूट कर लिया था क्योंकि सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने शूट कर लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये इनकी लॉबी है रिसोर्ट के रूम्स की, बहुत ही खूबसूरत लॉबी, लाइब्रेरी है,
और यहाँ पर मेन्यू डिसाइड हो जाता है तो बोर्ड पे लिख लेते हैं ये लोग कि क्या बुफे में लगने वाला है और क्या क्या होने वाला है, म्यूजिकल गेम्स। और ये देखिए डाइनिंग एरिया, और ये म्यूज़िक जहाँ पर डिस्को वगैरह होता है, गेम्स होता है, चेस का गेम है, कैरम बोर्ड है, और जो रिंग का गेम्स है जो आगे व्लॉग में है वो भी यहीं पर सब होता है। और हम्माद एकदम एक्साइटमेंट में है कि वो कब स्विमिंग पूल में जाए। ये सब हमारे ग्रुप के ही बच्चे हैं, सब अपने अपने गेम्स खेलने में मगन हैं। हिना आरिशा के साथ चेस खेल रही है, हुमेरा अपने अपने सेटिंग में लगी है कि मैं कहाँ खेलूँ, कैरम खेलूँ या फिर चेस खेलूँ कि मैं क्या खेलूँ। ये देखिए शारिक भी आ गया है ऑलरेडी, हिना और अरीशा बैठे हुए थे, अब ये दोनों आए हैं। और यहाँ देखिए पप्पू और भतीजी दोनों मज़े से झूला झूल रहे हैं, शाकिरा एंड अबीरा बड़े मज़े से झूला झूल रहे हैं। मेरी भी हसरत थी कि मैं जाकर बैठ के झूलूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। बहुत जैसे जस्ट गई और फटाक से आ गई, एक 5 मिनट में झूल नहीं पाई क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। और पैरों में भी मेरे काफ़ी दर्द हो रहा था, कमर में भी मेरे दर्द हो रहा था, मैं जा नहीं पाई। बच्चे हर चीज़ में इंजॉय कर रहे हैं और खूब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी चालू है बच्चों का। ये कॉर्न सूप है, लंच का टाइम है, हम ब्रेकफास्ट में आए थे, अभी लंच शुरू हो गया है इनका। देखिए दाल है, पूरी है, चपाती है, पराठे है, मिक्स सब्जी है, यहाँ पर मूंग की दाल का हलवा है, और वहाँ पर तो बटर चिकन है, और ये कस्टर्ड जेली भी है। जिसको मूंग दाल का हलवा खाना है वो मूंग दाल का हलवा खाएं, जिनको कस्टर्ड जेली खाना है, सब अपने अपनी चॉइस है। बच्चे तो कहाँ हलवा वगैरह खाते हैं, लेकिन बच्चों ने कस्टर्ड जेली खाई। यहाँ पर बटर चिकन है, और चिकन 65 था। रेशमा और शबाना अरीशा टेबल पे बैठे, हिना मैं शाहिदा, लगभग हमारा भी खाना हो चुका है, शाकिरा, बच्चे सब वापस, उनको कुछ ना कुछ चाहिए वो लेने गए हैं। वहाँ पर बड़ा सा फिश टैंक है, तो हुमेरा को बहुत पसंद है फिश टैंक, तो उसने शूट कर लिया है। ये देखिए शाम को 4 बजे हम लोग गेम खेलने लग गए, 4 से 5 बजे के टाइम पे। उस दिन बहुत तूफ़ान जब आया था मुंबई में ना, तो वहाँ पर भी तूफ़ान था, तो बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था। ये 4-5 बजे का वक्त है, ऐसा लग रहा है कि रात में। देखिए हुमेरा भाग कर म्यूज़िकल चेयर में अपनी जगह पकड़ रही है, म्यूज़िकल चेयर स्टार्टिंग, म्यूज़िकल चेयर से, और फिर थोड़ी देर के बाद वो रिंग्स पास करना था एक दूसरे को, तो रिंग्स पास कर रहे थे, वो भी गेम बच्चों ने खेला, मैंने भी रिंग्स में हिस्सा लिया था, मैंने म्यूजिकल चेयर में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन ये देखिए हम्मा बैठ गया है और अबीरा मिस कर गई थी, क्योंकि हम अबीरा बैक आई थी तो वो रूल्स के खिलाफ था गेम्स के, तो इसलिए अबीरा आउट हो गई। देखिए हुमेरा भी आउट हो गई, हम्मा भी आउट हो गया, हमारे ग्रुप के बहुत से लोग आउट हो गए। अब उसमें जोया है, वो नो जोया भी आते हैं, जोया भी आउट हो गई क्योंकि आगे जाकर पीछे नहीं आ सकते हैं, तो टोटल हमारे ग्रुप के सब लोग आउट हो गए थे। गेम में तो हार जीत लगी रहती है, और यहाँ जीतने का कोई ऐसा ये नहीं है, बस बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने हमने। ये देखिए हम लोग सब रिंग खेल रहे हैं, और क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मज़ा आ रहा था, म्यूज़िक साथ में थी और मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था, मैं सोच रही थी कोई मेरी जगह ले ले और रिंग्स खेले क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था। लेकिन सब हम लोग डटे थे काफ़ी टाइम तक, और इसमें इस गेम में हमारा ग्रुप ही जीता था। लाइक
हम लोग बहुत देर तक हमारा ग्रुप टिका रहा, बाकी के जितने और भी वहाँ के लोग आए थे वो सब चले गए। और ये देखिए बाबा, मुझे तो राहत मिली। देखिए अभी तक हमारा ग्रुप खेल, लगभग हमारा ग्रुप ही ज़्यादा था। रेशमा बहुत देर तक खेलती रही, बच्चे बहुत देर तक खेलते रहे, और शारिक और तैमिना ने मैदान मारे और तैमिना विनर बनी। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई हमको। देखो रेशमा भी अभी आउट हो गई है, और ये देखो जोया भी आउट हो गई है। अभी भी हमारा ही ग्रुप वहाँ पर टिका हुआ है, बाहर के लोग एक है दो ही हैं। ये भी जाने वाले हैं क्योंकि देखिए शायद अभी आउट हो गई है। और लास्ट में शारिक एंड तैमिना, ये दोनों ही। और ये देखिए तैमिना जीत गई। तैमिना को नेक्स्ट ट्रिप के लिए दो लोगों के लिए टिकट मिली है, तो उसने कहा था मैं अपने मम्मी पापा को भेजूंगी यहाँ पर। और ये हमार किड्स लोगों के लिए जो स्विमिंग पूल था छोटा सा, उसमें भरपूर मज़ा कर रहा है। देखिए अब ये एंजॉय करके फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। ये देखिए हम लोग ने फिर टॉय ट्रेन का ये नहीं किए इंतज़ार, क्योंकि टॉय ट्रेन जो है वो दिन में एक से दो बार निकलती है, और बहुत काफ़ी समय के बाद निकलती है, और बहुत वेटिंग पे बैठना पड़ता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग डायरेक्ट जो कार स्टैंड है वहाँ का, जो स्टेशन तक जाती है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट घोड़े पर ही जाएंगे। तो सारे बच्चे अपने अपने सामान के साथ घोड़े पर निकल गए। मैं और शाकिरा हम लोग रिक्शा जो था उसमें आए। तो देखिए हम लोग अब कार में बैठ गए, वापस घाट का रास्ता आया है, और घाट से होते हुए हम लोग नेरल स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। नेरल स्टेशन पहुँच कर फिर हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे। देखिए घाट, बाप रे, मुझे तो बड़ा डर लगता है अंदर नीचे देखने के लिए, ऐसा लगता है कि बस अब गिर जाएंगे। मगर ड्राइवरों को तो काफ़ी तजुर्बा होता है, माशाल्लाह वो लोग तो बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं, उन लोगों को तो आदत होती है, तो डर का कोई यही नहीं होता है। वहाँ की हरियाली, पेड़ पौधे, बॉम्बे में कहाँ इतनी सब हरियाली देखने को मिलती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हमने। और अगर आप लोग भी नहीं गए हैं तो जाइए, वहाँ अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, इंजॉय कीजिए। बस बात यह है कि जो चल सकते हैं ना वही जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट्स में जाने के लिए भी या आप घोड़ा करिए या फिर आप पैदल जाइए। और घोड़े पर बैठना तो बाबा, और फिर हर घोड़े पर बैठने का वहाँ चार्ज भी अच्छा खासा है, लेकिन वो लोग 500-600 रुपए लेते हैं पर पर्सन का। तो दो चार पॉइंट दिखाते हैं वो लोग, लेकिन तूफान आया हुआ था तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। हम लोगों ने बेटर समझा कि हम जल्द से जल्द घर चले जाएँ, इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द घर निकल गए। रास्ते में जो हमारे जो घोड़े वोड़े में जब हम लोग जा रहे थे, तब हमने एक आध पॉइंट्स ऐसे दूर से देख लिया था, बस देख लिया था, फिर हम वहाँ रुके नहीं क्योंकि तूफान आया था। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ का वीडियो ज़रूर देखिए।